सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम अमितेश भारद्वाज। तो यार, जैसा आपको पता है कि अब आपकी जोसा काउंसलिंग 12th ऑफ सितंबर से चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी, और चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका मॉक सीट अलॉटमेंट और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। और यदि आपको कोई सीट मिलती है तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो होने ही चाहिए। इस बार कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आप एलिजिबल होते हुए भी काउंसलिंग के अंदर आपको अच्छी ब्रांचेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिस्ट बना के रखा हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, फटाफट से आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। उससे पहले चैनल में बार है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रख लेना। हर एक चीज जोसा काउंसलिंग से रिगार्डिंग छोटी से छोटी चीज आपको यहां बताई जाएगी। ठीक है, बाकी हमारी पेड काउंसलिंग भी चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 450 रुपीज में फुल सपोर्ट है, 24/7 लाइव चैट एंड कॉल सपोर्ट है, और जेई एडवांस की काउंसलिंग वैलिड है। ठीक है, मतलब जेई एडवांस की भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर जो इस साल वाले बच्चे हैं वो 12th की मार्कशीट, डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी। एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ये आपके कॉलेज एडमिशन के टाइम पे काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन और ट्रांसफर आपका अभी काम नहीं आएगा, एडमिशन के टाइम काम आएगा। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सिर्फ जोसा फॉर्मेट, जो जोसा की वेबसाइट पे फॉर्मेट अपलोडेड है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट है आफ्टर 1st ऑफ अप्रैल का होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्रॉस बैंक चेक होना चाहिए, मतलब कैंसिल्ड बैंक का चेक होना चाहिए, रिपोर्टिंग के टाइम कायम आएगा। या आप अपने पेरेंट्स को बोल देंगे तो वो इजीली करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फॉरेन नेशनल फॉरेन कैंडिडेट से उनके पास उनका पासपोर्ट होना चाहिए। एडवांस्ड प्लस मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर आप मेंस के बेसिस पे काउंसलिंग करा रहे हैं तो मेंस का एडमिट कार्ड होना चाहिए। मेंस प्लस एडवांस दोनों का करा रहे हैं तो आपके पास दोनों का एडमिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको IIT मिला तो एडवांस का एडमिट कार्ड काम आएगा, NIT और IIIT मिला, GFTA मिला तो मेंस का एडमिट कार्ड काम आएगा। और आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए मैं आपको जल्दी बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का वो ज्वाइन कर लो, जैसे ही आएगा मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।